हे गाइस वेलकम बैक आई होप यू आर आर डूइंग सुपर ग्रेट सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि हमें रियाग के साथ टाइप स्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए सो so आज फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अपने कोड सेटअप के साथ एंड टाइप स्क्रिप्ट विथ रियाग सीखते हैं सो so, उसके लिए मैंने क्या किया है मैंने वी एस कोड अपना ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगी एक नया फोल्डर ओपन करूँगी मैं ऑलरेडी एक नया फोल्डर बना के रखा हुआ है मैंने आप एक एम्प्टी फोल्डर बना लें एंड आपको क्या करना है उस फोल्डर को यहाँ पर ओपन कर लेना so uh, है सो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है एम टी फोल्डर वो यहाँ पर ओपन हो चुका है दैट इज रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट अब इस फोल्डर के अंदर हमें अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना है अपना कोड सेटअप करना है सो so, हम क्या बनाने वाले हैं या फिर हम क्या सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं रियाक्ट विथ टाइप स्क्रिप्ट सो ऑब्वियस ये बात है हम एक रियाक्ट के एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें हम अपने टाइप स्क्रिप्ट को कॉन्फिगर करेंगे सो so, अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं हो सकता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग रियाग एप्लीकेशन हो जिसमें आपको अपनी टाइप स्क्रिप्ट को कॉन्फिगर करना है सो so, उसके लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस कमांड को आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं सो so, इस कमांड से होता क्या है जो आपका एग्जिस्टिंग रिएक्ट प्रोजेक्ट होता है हम उसमें टाइप स्क्रिप्ट को सिंपली कॉन्फिगर कर सकते हैं सिंपली ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड बट हम क्या कर रहे हैं हम फ्रॉम द स्क्रैच सारी चीजें सीख रहे हैं So, हम क्या करने वाले हैं हम एक रियाग की एप्लीकेशन बनाने वाले हैं अपने एम फोल्डर के अंदर एंड उस एप्लीकेशन में हम अपने टाइप स्क्रिप्ट को कॉन्फिगर करने वाले विद द हेल्प ऑफ टाइप स्क्रिप्ट टेम्पलेट तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड होती है जिसे आपको कॉपी कर लेना है सो आई एम कॉपिंग दिस फ्रॉम यर एंड लेट मी ओपन दर्मिनल लेट्स स्पेस दिस कमांडर एंड ओके okay, तो ये जो कमांड है वो क्या इंडिकेट कर रही है एंड पेक्स क्रिएट रियक्ट एप माई ऐप ये तो आपने काफी बार यूज किया हुआ है जब आपने रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया है सो क्रिएट रियक्ट ऐप सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि हम एक एप्लीकेशन uh, बनानी है रिएक्ट कीट ने साथ में ही हम यहाँ पर एक टैम्पलेट एड कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम टाइप स्क्रिप्ट को एड कर रहे हैं कॉन्फिगर कर रहे हैं ओके सो एज यू गाइस कैन सी यहाँ पर हमारा जो रिया टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है इस ऐप uh, का नाम क्या है माई ऐप नाम है सो so, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए पहले हमें इसके इस फोल्डर uh, के अंदर जाना पड़ेगा एनालट्स टाइप एन पी एम स्टार्ट ओके सो नाउ लेट्स गो टू आर ब्राउजर एंड यू गाइज कैन सी यहाँ पर हमारी जो रियाग टाइप स्क्रिप्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पर रन हो रही है लोकल पोर्ट में सो नाउ लेट्स गो बैक टू आर वी एस गो टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सो हमने जब कभी भी रियाग एप्लीकेशन क्रिएट किया है हमें हमेशा ही इस तरीके का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला है सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रियाग टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सो बेसिकली हमारे जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है डिफरेंस आप लोगों को देखने मिलेगा जब आप इस एसआरसी फोल्डर को एक्सपांड करेंगे सो so, जब हम SRC फोल्डर को करते हैं स्पेशली so, आप देखिए एप डॉट टीएसएक्स इंडेक्स डॉट टीएसएक्स तो ये जो फाइल्स हैं ये जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो हमारे एक्सटेंशन किस तरीके से सेव से है डॉट टीएसएक्स so, सो बेसिकली आपको टाइप स्क्रिप्ट वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी हमारे रियाग टाइप स्क्रिप्ट वाले प्रोजेक्ट होंगे उसमें जो भी कॉम्पोन आप क्रिएट करेंगे उनको आपको सेव करना है विद डॉट या फिर डॉट एक्सटेंशन के साथ ठीक है तो ये आपकी पहली लर्निंग है पहली सीख है रियाग टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के साथ ये आपको ध्यान में रखना है एंड यदि अब हम इंडेक्स डॉट फाइल को देखें तो ये भी जैसे हमारा नॉर्मल रिएक्ट एप्लीकेशन जो हमने जे वाला देखा था उसमें हमारी इंडेक्स डॉट जे एस एक्स फाइल एंट्री पॉइंट होती थी इसी तरीके से हमारे इस प्रोजेक्ट में इंडेक्स डॉट टी एस एक्स जो फाइल है वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है और अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो इंडेक्स डॉट टी एस एक्स फाइल है ये ही पूरी एप्लीकेशन को हमारा रेंडर करवा रहा होता है कैसे इसी इसी एप्लीकेशन में हमने कोड लिखा है कि आपको रेंडर करना है ऐप कॉम्पनिंट को एंड ऐप कॉम्पोनेंट आप लोगों को पता है जो भी हम कॉम्पोनेट्स uh, क्रिएट करते हैं वो सारे कॉम्पोनेंट्स हम किसमें कॉल करते हैं इस ऐप डॉट टीएसएस कॉम्पोनेंट में हम इसे कॉल करेंगे सो दैट इज हाउ पूरी एप्लीकेशन हमारी वर्क करती है ये मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बताया एंड ये वाली एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है हमने रिएक्ट प्ले में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत डीपली डिस्कस की हुई है इसलिए हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम मेनली रिएक्ट और टाइप स्क्रिप्ट को साथ में कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे सो सो बेसिकली अभी तक आप लोगों को कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिला है फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप स्क्रिप्ट विथ रियाक्ट सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गईस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योअर जेन्यून फीडबैक थैंक यू गईज फॉर वॉचिंग